नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है, इस पर बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की है और ये समस्या हमने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में बहुत ही ज़्यादा देखी है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा परिवार ही इस समस्या से ग्रसित होता है। इस साल माता जी को समस्या रही, 2 साल बाद बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विषय में वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको किडनी स्टोन के दौरान इस्तेमाल करना है, और यदि आपके परिवार में किसी को किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है बार बार, या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है बार बार, या आप इस चीज़ से डरते हैं और अपने डाइट का पहले से ही ख्याल रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, उन सब के विषय में मैं आज एक डिटेल में जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि किडनी स्टोन हो क्यों जाता है, क्या कारण होता है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर किडनी स्टोन हो जाता है। तो किडनी जो है वो हमारे शरीर से चीज़ों को फिल्टर करके, स्पेशली हमारे खून से जो बुरी चीज़ें होती हैं, विषाक्त यानी कि जहरीली चीज़ें होती हैं, उनको फिल्टर करके पेशाब के थ्रू बाहर निकालता है। किसी भी कारणवश जब ये हमारी किडनी ये काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, या हमारे डाइट में या हमारे लाइफस्टाइल में वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो किडनी स्टोन बनाने का काम करती हैं, और हमारा शरीर उस स्थिति में, उस अनुपात में चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होके एक स्टोन का रूप ले लेती हैं। स्टोन किसी भी आकार, किसी भी साइज़ का हो सकता है। जो छोटे स्टोन होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, हमें समटाइम्स पता भी नहीं चलता, लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक और ज़्यादा असहनीय होते हैं। इससे हमें कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेट में असहनीय दर्द होना, यूरिन में खून का आना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसी वजह से हमारे शरीर में किडनी स्टोन डेवलप होता है और इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे किडनी स्टोन हो जाता है, हमें जिनके लिए केयरफुल रहना। तो सबसे पहला कि यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपको किडनी स्टोन डेवलप होने के ज़्यादा आसार होते हैं। इन सब के साथ साथ यदि आप बहुत लंबे समय तक अपना पेशाब रोकने की आपको आदत है, तो इससे भी आपको किडनी स्टोन डेवलप हो सकता है। इन सब के साथ साथ यदि आपके खाने में बहुत ज़्यादा नमक है, या आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इन सब कारणों से भी आपको किडनी स्टोन की समस्या देखी जा सकती है। तो अब इसका बचाव कैसे करना है, ऐसी क्या चीज़ें लेनी हैं जिससे कि यदि हमारे शरीर में किडनी स्टोन हो गया तो वो अपने आप ही निकल जाए, या और ज़्यादा बड़ा ना हो, या डाइट में ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि हम किडनी स्टोन को अवॉइड कर सकें, अभी मैं आपको वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुँच सके और आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपने डाइट में हमें ऐड करना है और हटाना है। पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कई लोगों में मिथक होता है कि प्रोटीन वाली चीज़ों से किडनी का स्टोन बनता है, तो ऐसा ये पूरा पूरा सच नहीं है। वो चीज़ें जिनसे आपके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, प्यूरिन की मात्रा जिनमें ज़्यादा होती है, वो आपके शरीर में एक तरीके का किडनी स्टोन बनाने का काम करते हैं। तो उनके लिए आपको जो भी ऑर्गन मीट होते हैं, रेड मीट होते हैं, उनको, या नॉन वेज से जो भी आपको प्रोटीन वाली चीज़ें मिलती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। क्या क्या है वो चीज़ें? आपको मटन हो गया, चिकन है, मछली है, अंडा है, इनका आपको कम से कम प्रयोग करना है। प्रोटीन को बंद नहीं करना है, क्योंकि प्रोटीन के बहुत आवश्यक काम होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि हॉर्मोन्स को बनाना, मसल्स को बनाना, साथ में शरीर के ग्रोथ में हेल्प करना। तो यदि आप पूरी पूरी तरीके से अपना प्रोटीन बंद कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप धुली हुई दाल का सेवन कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को बंद नहीं करना है। इसके साथ ही यदि आपको पास्ट में या आपके परिवार में कोई हिस्ट्री रही है, या करंट में अभी तुरंत में आपको किडनी स्टोन की समस्या है, तो आपको वो चीज़ें अपने डाइट में नहीं लेनी हैं जो कि स्टोन को बनाने में मदद करती हैं। अगर हम बोले तो कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट ऑक्सलेट वाली चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? आपको सोयाबीन का सेवन या भिंडी का सेवन, इनके अलावा ब्रोकोली का सेवन आपको अवॉइड करना है। इन सब के साथ साथ आपको चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट का, पालक है, बीन्स हैं, आपका बैंगन हो गया, टमाटर है,
मशरूम हैं, इनमें आपके कैल्शियम ऑक्सलेट बनाने के काफ़ी ज़्यादा गुण होते हैं, तो आपको एक तो इनको अवॉइड करना है। इन सब के साथ साथ जो आपके कोका कोला या थम्सअप जैसे जो डार्क कलर के आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनमें फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको भी आपको अवॉइड करना है। फ्रूट में अगर हम बोलें तो आपको चीकू का सेवन अवॉइड करना है इस दौरान पे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट वाली चीज़ें नहीं लेनी है, लोग कैल्शियम वाला खाना बंद कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बंद करना है हाई सोडियम वाला खाना, क्योंकि जो लोग सोडियम की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा लेते हैं, उनके शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर से नमक, कच्चा नमक, या तो आप अचार में, पापड़ में, चटनी में, बिस्किट, रस्क, नमकीन, चिप्स, इन फॉर्म में जो आप नमक का, अधिक नमक का सेवन करते हैं, इनको आपको बंद करना है। इन सब के साथ साथ जो आपके पैकेट वाले आपके रेडी टू ईट खाना होता है, जैसे कि उपमा, 3 मिनट में उपमा बन गया, 3 मिनट में ओट्स बन गया, या 3 मिनट में आपका कोई भी खाना बन गया, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम बंद नहीं करना है, हाई सोडियम वाली चीज़ें आपको बंद करनी है। इनके अलावा कुछ रिसर्च स्टडी हैं जो बताती हैं कि यदि आप विटामिन सी का जो सप्लीमेंट है वो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज करते हैं तो भी आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। तो यदि आप विटामिन सी की कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी दवाई टैबलेट ले रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर से पूछ के तुरंत बंद कर दीजिए। नेचुरल डाइट से आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खा के हमारे किडनी से स्टोन जो है निकल जाएगा, या अगर हमें परिवार में हिस्ट्री रही है किडनी के स्टोन की तो हमें नहीं होगा, या फिर यदि हमें अभी तुरंत में स्टोन छोटे साइज़ का है तो बड़ा किस प्रकार से नहीं हो पाएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, अपने डेली डाइट में 3 से 4 लीटर पानी का पीना है। यदि आपके शरीर में पानी की अच्छी मात्रा है, आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, तो आपके जो किडनी में छोटे छोटे स्टोन हैं वो पानी के थ्रू ही बाहर निकल जाते हैं, वो बड़ा होने का उसको मौका नहीं मिलता है। तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का अवश्य पीना है। इसके अलावा आपको पोटेशियम रिच आपको खाना है। क्यों खाना है पोटेशियम रिच? क्योंकि पोटेशियम साइट्रेट जो है हमारे शरीर में जा करके किडनी के जो स्टोन हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, उसको डिसॉल्व करके हमारे यूरिन से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसके लिए आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, इन सब के साथ साथ आप साबुत नारियल, कच्चा नारियल खा भी सकते हैं। इनके अलावा आप यदि आपके आसपास तरबूज मिलता है तो आप उसका भी सेवन करके इस पोटेशियम साइट्रेट की मात्रा ब्लड में बढ़ा के आप अपने किडनी के स्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इनके अलावा जो आखिरी टिप है आपके लिए वो ये, जो कि हम ज़्यादातर अपने पेशेंट्स के साथ हमने देखा है कि एक परिवार के लोग आ रहे हैं और उनमें ज़्यादातर लोगों को किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है, या एक साथ 2-3 लोग सफ़र करते हैं। कई एरिया में भारत में हम ऐसा देखते हैं कि कई जगहों का पानी बहुत भारी होता है, देसी भाषा में अगर हम बोलें तो पानी भारी होता है, यानी कि पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके शरीर में अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनमें से एक होता है आपके किडनी स्टोन को बढ़ावा देने वाला। तो यदि आपके एरिया में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है तो भी आप बिना फिल्टर किया हुआ पानी ना पिए। यदि आप फिल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पानी को रख दीजिए निकाल करके 1-2 घंटे के लिए, जब वो सारी बुरी चीज़ें जो आपकी नुकसानदायक चीज़ें वो नीचे बैठ जाएं तो आप उसका इस्तेमाल करिए। यदि आप फिल्टर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ फिल्टर वाला पानी पीजिए। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जौ को अपने डाइट में बढ़ाना है, चाहे वो सत्तू के फॉर्म में हो, चाहे जौ की रोटी हो या जौ का पानी हो, उसको आपको अपने डाइट में ऐड करना है। उससे भी आपके किडनी स्टोन को डिजॉल्व होने में, बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यदि आपको अपने डाइट में पोटेशियम अन्य तरीकों से बढ़ाना है तो आप संतरे का जूस या नींबू पानी या अनार, बिना बीज वाले अनार का जूस जो है, या अनार का जूस अच्छे से छान के आप इस्तेमाल करके अपने शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ा के अपने किडनी स्टोन को डाइल्यूट करने में, डिसॉल्व करने में मदद मिल सकती है आपको। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको आप अपने डाइट में ऐड करके, यदि आप किडनी स्टोन से आपको खतरा है या आपके परिवार में किसी को रहा है या अभी आपको हो रखा है, उन सब से आपको मदद मिलेगी। इन्हें अगर आप अपने डेली डाइट में भी ऐड करते तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इवन आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आशा करती हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उन्हें चीज़ का लाभ उठाने में मदद करेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं, उसे भी आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।